नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी वीडियो में। और गाइस कैसे चल रहा है आप सब। आई होप आप सब अपने घरों में ठीक से होंगे। मैं भी ठीक से हूँ। तो कल जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारी शादी थी और हम शादी में धाम खाने के लिए भी गए थे। तो गाइस रात को मैं नहीं जा सकी थी। हनु गया था और जेठ जी गए थे और उनके बच्चे गए थे और मम्मी जी, मैं और दीदी गए थे, क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका था और ना बाहू की वजह से मैं नहीं गई। मैंने सोचा कि वो बीमार है, ऐसे ना हो कि बहाना लगता है, जैसे कि आप सभी को पता है, तो मैं नहीं गई। तो अभी मुझे फ़ोन आया था दूसरे घर से और वो मुझे बोले थे कि विदाई है जैसे कि लड़की की, तो वो मुझे बोले थे कि चलो विदाई देखने चलते हैं। तो अभी मैंने जस्ट बाहू को सुलाया है और मैं अभी ना तैयार लगी थी होने, और तैयार तो क्या जल्दी जल्दी से, क्योंकि यहाँ की यहाँ पे जो विदाई है ना लड़की की, बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसे पीछे आप ना पूरा कमरा देख सकते हैं बिखरा हुआ, ऐसे लग रहा है शादी मेरे घर में ही है। और हमेशा ऐसे होता है, लोगों के घर में शादी होती है और सारा घर जो है ना वो मेरा बिखर जाता है और ऐसे लगता है कि शादी मेरे घर में ही है। तो गाइस मैं अभी ना तैयार लगी थी होने, मैं सोचा कि झाड़ू पोछा मैं आके लगाऊंगी, पहले ना हानू को भेज दिया है स्कूल और फटाफट से ना तैयार हो जाते हैं। और हनु के पापा अभी तक घर में ही हैं, वो बहू को देख लेंगे। और तो मैं ना तैयार हो जाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि विदाई की रस्म ना हिमाचल में कैसे की जाती है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस हम ना पहुंच गए थे शादी वाले घर और ये देखिए बारात जो है ना वो लड़की को लेने के लिए आ गई है। मतलब यहाँ पे उनकी ठहराव होता है बारात का, वहाँ से जो है वो बारात आ गई है लड़की को लेने के लिए। थोड़ी सी विदाई जो है वो लेट हो गई थी क्योंकि मिलनी वगैरह हुई, जैसे हम अपने पहाड़ी भाषा में सामना बोलते हैं उसको। लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले आपस में मिलते हैं, जो लेडीज़ लोग होते हैं वो मिलते हैं, तो इस कारण थोड़ी सी जो है ना वो लेट हो गई थी बारात। और यहाँ आप देख सकते हैं गाँव के काफ़ी सारे लोग आए थे। तो लड़का सबसे पहले आते ही ना अंदर गया था और अंदर से अभी वो बाहर आ रहा है लड़की को लेके, क्योंकि अंदर ना जो देहरा होता है हमारा, जिसके सामने पूजा होती है, वहाँ पे कुछ मीठी चीज़ दोनों को खिलाई जाती है, फिर ये बाहर आते हैं। और ये अभी लड़का लड़की दोनों, ये जो चौकी बोलते हैं इन हमारी पहाड़ी भाषा में, इन दोनों के ऊपर बैठेंगे और लड़के को अभी ना तमोल लगेंगे। तमोल जैसे कि जो लड़की की माँ होगी या लड़की के जितने भी घर वाले होंगे वो बारी बारी करके कपड़े देंगे लड़के को और तिलक लगाएंगे। और यहाँ पे शुरू हुई तमोल की रस्म। सबसे पहले जो लड़की की मम्मी जी थे, उन्होंने जो घर के जितने भी जवाई होते हैं उनको तमोल लगता है और फिर लड़के को लगता है सबसे बाद में। और ये देखिए ये तमोल की रस्म वो लगा रहे हैं। इसके बाद जितने भी घर वाले जो रिश्तेदार होंगे वो सभी बारी बारी जो है ना वो लड़के को तिलक लगाएंगे और उसको शगन देंगे। यहाँ भी सभी ने तमोल लगाया, जो लड़की की बुआ मामी मासी और जितने भी घर वाले थे सभी ने बारी बारी आ गए। और यहाँ पे देखिए ये लड़की बेचारी बहुत जिद करी थी और यहाँ पे ये देखिए बारी बारी सभी अपना अपना जो शगन है ना वो लड़के को दे रहे हैं और फाइनली जो शगन की रस्म है वो पूरी हो गई है। और ये देखिए ये एक कपड़े में जितने भी शगन हुए थे उनको बांध लिया गया है और अभी रस्म होगी, जो लड़की की माँ होती है वो लड़के को दूध पिलाएगी। जैसे सबसे पहले लड़के को दूध पिलाया जाएगा और उसके बाद वो लड़की को दूध पिलाएगी।
तो विदाई की जो भी रस्में होती थी वो ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो गई थी। और ये अभी लड़की जो की जो मम्मी जी हैं वो उसको प्यार कर रहे थे बहुत ज़्यादा और रो भी रहे थे साथ साथ में। उनका सारा परिवार बहुत रो रहा था। मतलब ये टाइम ही कुछ ऐसा होता है लड़की की विदाई का कि सभी को रोना आता है इस टाइम पे, क्योंकि एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दिल इस टाइम करना होता है। और यहाँ पे ना लड़की के पापा जी देखिए कैसे रो रहे थे बेचारे, उनको देख के और भी ज़्यादा रोना आ रहा था। और ये साथ में ना जिन्होंने सर पे रुमाल बांधा है ये लड़की के मामा जी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो विदाई है वो मामा जी के हाथ से ही होती है। और ये मामा मामी अभी लड़की को ले चले हैं गाड़ी पर बिठाने के लिए। और फाइनली गाइस आज इस लड़की का भी ये घर पराया हो गया है ना। और जो जिस घर में वो आगे जाएगी वो घर उसका अपना हो जाएगा। और ये देखिए सारे लोग जो गांव वाले थे उसके रिश्तेदार थे वो सारे छोड़ने जा रहे थे लड़की को। तो लड़की अब गाड़ी में बैठ गई थी, अब उसके जो पापा हैं वो गाड़ी को धक्का लगाएंगे और गाड़ी जब जाएगी तो उन पे पैसे फेंकेंगे, जो सिक्के होते हैं वो फेंकेंगे। लड़की की विदाई अब हो गई है। अब जो लड़की की मम्मी जी हैं वो जो चार वेद लगाए होते हैं उस पर मतलब कि उनका पूजन करेंगे, उनको धूप वगैरह दे के उन पर प्रसाद चढ़ाएंगे। और जो प्रसाद वो यहाँ पे चढ़ाएंगे वो सारे जितने भी घर वाले होंगे उन सभी को प्रसाद बांटेंगे। तो वहाँ पे खाने का भी प्रबंध जो था वो किया गया था गांव वालों के लिए भी और जो रिश्तेदार थे उनके लिए भी। फिर हमने वहाँ पे खाना खाया, सुबह का ब्रेकफास्ट हमने वहीं करा और फिर हम आगे अपने घर वापस। तो देखा अपने कितना मुश्किल होता है अपनी बेटी को घर से विदा करना। तो गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।